बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए न्यू स्टाइल डीप फ्राई चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी लेके आऊँ। आपने वीडियो के एंड तक देखना, इसमें एक स्पेशल चीज़ है। इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट आप ऐसा डालते हैं जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत लजीज हो जाएगा। तो आपने वो वीडियो को अच्छी तरह फॉलो करना है ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास 1.5 किलो चिकन है, ये हमारे पास ड्रम स्टिक्स के पीसेज हैं, इस पर हमने डीप कट्स लगाए हैं। वैसे तो ये होल चिकन से बनता है, लेकिन होल चिकन को घर में डीप फ्राई करना मुश्किल होता है, इसलिए हम आपको इसे सिखाएंगे। यहाँ हम 1 टीस्पून लाल मिर्चें डालेंगे पीसी हुई, 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, इसकी जगह आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, वो भी सिर्फ कलर के लिए होती है। अब हम आपको इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट बताते हैं, वो है बिरयानी मसाला। 1 टेबलस्पून आपने इसमें बिरयानी मसाला ऐड करना है, उससे इसका टेस्ट कमाल का हो जाएगा। अब हम हाथों की मदद से इनको मिक्स करेंगे मसाले को, और जो डीप कट्स इसमें हमने लगाए हैं मसाला उसके अंदर जाएगा। तो ये हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ये वही है, और 3-4 घंटे आपने इसको छोड़ देना है। ओवरनाइट इसको छोड़ेंगे तो ज़्यादा जूसी बनेगा। तो कढ़ाई में हमारा ऑयल हमने मीडियम गरम कर लिया, अब हम इसमें अपने चिकन डालेंगे। तो मसाला आप देख रहे हैं चिकन पे कितना अच्छा लगा हुआ है। एक वक्त में जितने पीसेस आराम से आएंगे हम उतने डालेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम एक साइड को फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। ये बहुत आसान रेसिपी है, ये कोई भी घर पे आराम से बना सकता है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं, 6 से 7 मिनट इसको हो गए फ्राई होते हुए, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। कलर भी आप इसका देख रहे हैं कितना अच्छा है, बनाने में भी ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। जी हमारे न्यू स्टाइल डीप फ्राई चिकन ड्रम स्टिक बिल्कुल तैयार है, और बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपने ढेर सारी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।